स्वागत है आपका हमारे दादा दादी बनने की खुशी में। हमारे इंडिया में ना ज्वाइंट फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली का मस्त चलन है। कहाँ जा रहे हैं शेरा जान? सुरेश भैया के यहाँ, वो अपूजन है उनके पोते का। अच्छा, तो हमारे ही पोते ही हो है, हमारे पोते के। तो आज हम तो भतीजा यंग कपल पोते के उसमें जा रहे हैं कुआ पूजन में। आज हम जा रहे हैं अपने पोते के कुआ पूजन में। ये तो मुझे जस्ट अभी रियलाइज हुआ कि हम अपने पोते के कुआ पूजन में जा रहे हैं। ओह माय गॉड, तो हमारी जॉइंट फैमिली जा रही है एक्सटेंडेड फैमिली फंक्शन में। अब हम एंटर कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ एनक्लेव में, जहाँ पे हम अपने फंक्शन के लिए आए हैं। एक्सटेंडेड फैमिली में ना हम सब कुछ बहुत टाइम से बन जाते हैं, यहाँ तक कि ग्रैंड पेरेंट्स भी। मेको को गेट पर ही अपने बाबा जी मिल गए। लड़कियों को घर में ज्यादा ही माहौल मिलते हैं जैसे माओ को मिल रहे हैं। अब जिनके हम आए हैं उनके साथ तो फोटो खिंचवाना बनता है। माए माए होती है, मैं भी अपने चुकुलर आ जाओ, जो हमारे साथ फोटो खिंचवा लो। फंक्शन में जाके ना बातचीत भी करनी पड़ती है। मैं तो इतनी अच्छी हूँ नहीं, पर दीदी यार बड़े अच्छे से सोशलाइजिंग करते हैं। मैं भी ना देखा देख ट्राई तो कर ही लेती हूँ, और जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ दीदी यार के पीछे भी खड़ी हो जाती हूँ कि क्या करना है आप ही लोग बता दो। अब देखो जो मस्टर्ड साड़ी में है ना, ये है PhD होल्डर डॉक्टर रश्मि, और मेरी सासू माँ की दूसरे नंबर की बहू। ओहो, स्टोरी मेकिंग के बीच में ना खाने का टाइम हो गया है। ऐसा हो सकता है कि गोलगप्पे और हम ना खाएं, पर ना गोलगप्पे खाते वक्त ना मुंह बिगड़ ही जाते हैं। अब एक मीठे पानी का खाया था, अब एक खट्टे का खाने जा रही हूँ मैं। अकेले खाने में आ रही थी शर्म, इसलिए मैं दीदी के साथ आ गई। मेरे दीदी आप लोग भी चलो। अब क्या यार का गोलगप्पा था बहुत ही बड़ा, तो आप मुँह की हालत देख ही रहे हो क्या हो गई है। स्टाइल गए झड़, संदीप अकेले ही लगे हुए हैं। अभी सासू माँ की तीनों बहुएं चली आ रही हैं, एक और भी उससे जल्दी मिलवाएंगे। अब घर वापस आने का टाइम हो गया है। पापा बहुत प्राउडली अपनी बहुओं को मिलवा रहे हैं। लड्डुओं के थैले हमें मिल चुके हैं, मैंने गोल्डन पॉइंट्स ले लिए। आप बताओ कैसे लिए? अरे आधी स्टोरी रह गई थी, अब आप बताओ डॉक्टर रश्मि मेरी क्या लगी? मेरी क्यों वीडियो बना रही है? संदीप को वीडियो बनवाने में लगता है डर। फिर माफी मांगनी पड़े समाज के सामने। पुलिस को देख के ना, ये लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करती है कि भाई साहब आपको ऐसा बनाना, नहीं तो आपको फिर अंदर रह के खाना बनवाना होगा। देसी आदमी आई लव बोलने में आती है शर्म। वो लिखा है सोनू भैया का घर, सोनू मामा का घर नहीं, वो पापा जो ट्राई कलर में लिखा हुआ है इंडिया का झंडा।